शांति। आज 29 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। ये जो कार्य है परिवर्तन का, ये शिव बाबा मात्र शक्ति के द्वारा ही कराते हैं। इसकी यादगार शास्त्रों में है, सागर मंथन किया गया, असुर भी थे, देवताएं भी थे, परंतु कलश जो उसमें से निकला अमृत का, वो लक्ष्मी जी को दिया गया, आप बांटो। तो वो सिंबॉलिक सच्चाई ये है कि संगम युग पर शिव बाबा मात्र शक्ति के द्वारा सारा अपना कर्तव्य संपन्न करते हैं, जो फिर बाद में शास्त्रों में यूं दिखा दिया गया। प्रश्न है, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त? ये देखिए, बाबा ने हमको जिम्मेवारी का एहसास कराया, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जिम्मेवार हो। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझता है तो फिर वो कार्य भी करता है। अगर ऐसे ही कैजुअली कहें तो नहीं, लेकिन बाबा कहता है जिम्मेवार, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप ने तो माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम्हें अब अपने हम जिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। ये क्योंकि नारी जाति को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना, उसे बिल्कुल ही एक वस्तु का रूप दे दिया गया, जिसको यूज किया जा सकता है। इंसानियत खत्म हो गई, परंतु ये वस्तु है जिसका उपयोग करना। ऐसी हालत जब माताओं बहनों की हो जाती है, जब उनकी कोई आवाज सुनता नहीं है, आवाज वो निकाल सकती है ये भी उनको पता नहीं होता, जब ऐसी हालत होती है तब परमात्मा आकर के उनको पहले सुजाग करते हैं। और नारी जब जागती है तो विश्व जाग जाता है, क्योंकि मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन नारियों की है। मान लीजिए 50-50 करते हैं, आप उसमें बच्चे जोड़ लीजिए, तो कितनों का कल्याण करने के निमित्त बनती है। गीत है रात के राही, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुख धाम की ओर। सुख धाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है, जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा, कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है, शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, ऐसे नहीं इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। बाबा बता रहे हैं कि नारी जगत का जो कल्याण है वो कौन कर सकता है, गुरुओं ने, शास्त्रों ने तो उनको किनारे कर रखा था, बिल्कुल ही नर का द्वार है,
सर्पणी है, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रखा था, ढोर गवार शूद्र पशुनारी सब है ताड़न के अधिकारी, इनको ताड़ते रहो, हम ऐसी हालत कर रखे। ये तो बाबा जब आते हैं, बाबा तो आत्माओं के पिता है ना, तो आत्माओं के पिता जब शिव बाबा आते हैं तो उनके लिए तो बच्चे और बच्चियां दोनों समान हैं। लेकिन जैसे एक माँ बाप उस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं जो कमज़ोर होता है, उसको थोड़ा अधिक अटेंशन देते हैं, तो नारी जगत जो थी वो कमज़ोर थी जब शिव बाबा आए, तो बाबा ने आकर के माताओं बहनों को सुजाग किया और उनको इस योग्य बनाया है कि वो अन्य का भी उद्धार कर सके। तुम कहते हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं, भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं, तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने से डरो मत, पढ़ना है पढ़ाना है, तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बैंजो दिया है क्योंकि वो सबसे तीखी है, दुनिया की सरस्वती है ज्ञान की देवी। तो शिव बाबा ब्रह्मा को माँ बनाते हैं पहले, उनके मुखारविंद के द्वारा हमें जन्म देते हैं, और सरस्वती माँ जो है उनमें महिलाओं में नंबर वन होती है, तो उसको ज्ञान का कलश सौंपा जाता है जो कि बैंजो के रूप से दिखाया है। बाबा ने कहा कि माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना पड़े ना, ये तुमको करते हैं तुम उनको करती हो, वंडर है ना, ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है, तो मुकुट तो सबको होता है, ये एक ट्रेडमार्क रख दिया है, कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेंगी, प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। देखिए बाबा ने जो मुकुट की भी बात कही उसे, तो बाबा ने बताया हमको कि हमको डबल ताज मिलता है, एक मिलता है पवित्रता का ताज और एक मिलता है रत्न जड़ित ताज, जो ज्ञान के रत्न जितने धारण करते हैं उतना। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई श्री कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दिखाते कोई पहनता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है जबकि राज्याभिषेक होता है, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उस समय, क्योंकि विश्व महाराजन है तो इतना बड़ा मुकुट, लेकिन हर समय के लिए इतना बड़ा नहीं होता है। बाबा ने कहा तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए, हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं, हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं, बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो, शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं तो भाई भाई हो गए, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। ये बाबा ने हमारे दो रिश्ते बताए हैं आपस में, जो बाबा कहते तुम्हारा आपस में प्यार होना चाहिए, हम लोग आपस में आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, और जब हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो आपस में भाई बहन हैं, तो हमारा रिश्ता जो है वो बहुत पवित्र रिश्ता है, और पवित्र रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में कभी भी गंदी बातें नहीं होती हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विश्व की लेन देन कर न सके, यह है युक्ति, परंतु अब तक कईयों कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो, अभी तुम माताओं का को कलश मिलता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए,
ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो, कोई को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है। बाबा कहते हैं कि मातृशक्ति के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, उसको डबल काम करना पड़ता है। एक तो अपना काम करती ही है, दूसरा जो है बाल बच्चों को संभालना, घर को बनाना। घर की जो महिला है वो घर को स्वर्ग भी बना सकती है, घर को नरक भी बना सकती है। तो अगर बच्चे जो हैं वो अच्छे ना निकले तो नरक में हो जाएगा, और बच्चे अच्छे निकलते हैं तो घर स्वर्ग में हो सकता है। इसमें मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये गृहस्थी संभालना ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमको साथ साथ ज्ञान के साथ साथ उसको भी संभालते हुए चलना है। बाबा ने कहा कि ये ज्ञान मानसरोवर है, तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। बहुत अच्छा, कब्रिस्तानी से बाबा परिस्तानी बना रहे हैं। अब तुम बच्चे समझ गए, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, बाकी परियां आदि कोई नहीं है, तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं, बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। परंतु ऐसा भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा ना कोई और अंदर में कोई और खींचता रहे, ऐसे भी काम चल ना सके। बाप का सच्चा बनना है, सच्चा बच्चा बनना है, वो चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हो तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं जाना है, तुम्हारी ये याद की दौड़ी है। अब माताओं को सितम भी कई सहन करने पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारे बंधन टूटते हैं तो बाबा को कैसे आके मिलना चाहिए। जैसे कोई पत्नी का पति गुम हो जाए, बाबा ने कहा वो बावरी हो जाती है, और मिल जाए तो गली गली में घूमती हुई आकर के मिलती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर वो कसक होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी है, चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर मिलेगी। ये फिर बेहद का पतियों का पति है, उससे डरना क्या। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। ऐसी थी बांधेलियाँ थी भी ऐसे, जो उनको मौका मिलता था तो दौड़ के बाबा को मिल कर के आते। कभी मायके के बहाने जाती थी, मैं मायके जा रही हूँ, कभी कोई और बहाने से जाती थी, कभी पकड़ी भी जाती थी तो पीछे पीछे पति आ जाता था। लेकिन जब पति आता था देखता था ये तो संसार ही दूसरा है, तो उसको भी अच्छा लग जाता था, उसके पाँव पड़ता था। ऐसे भी केस हुए हैं, माता गुरु कह करके उसके चरण स्पर्श करता है। तो मातृशक्ति तो मातृशक्ति है। आज का बाबा का वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है, आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा खुश रहने वाले दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो, इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। ये बाबा ने खास बात कही है कि कुछ भी होता रहे आप मौज में रहो। कुछ भी होता रहे माना बहुत कुछ सामने आपको देखने में आएगा, लेकिन आपकी आत्मा का जो स्वधर्म है, मूल गुण है, वो सुख है।
तो आपको सुख स्वरूप है, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। अगर सामने कोई ऐसी चीज दिखाई देती है तो वो भी सुख में है। स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।